हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विश्वसनीय यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। अभी एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एमबीबीएस की डिग्री लेने व इंटर्नशिप करने के लिए इंडिया में एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट व एब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट एग्जाम होगा जो 2020 से लागू होगा। फाइनल एमबीबीएस का नाम नेक्स्ट वन कर दिया गया है। तीन पेपर होंगे दो फेज में। पेपर फर्स्ट मेडिसिन प्लस पेडिटिक्स का होगा जिसमें 180 क्वेश्चंस होंगे 4.5 आवर्स यानी 270 मिनट्स का। पेपर टू सर्जरी प्लस ईएनटी का होगा, इसमें 180 क्वेश्चंस होंगे 4.5 आवर्स का। पेपर थर्ड ओबस्ट्रिक्स गाइनोकोलॉजी और ऑप्थाल्मोलॉजी का होगा जिसमें 180 क्वेश्चंस होंगे वही 4.5 आवर्स यानी कि 270 मिनट्स का पेपर होगा। इसको पास करने के लिए 50% सीए उसके बाद इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जाम ऑनलाइन होगा, ओनली एमसीक्यूज होंगे। नीट पीजी अब नेक्स्ट टू हो जाएगा, इसमें सिर्फ क्लिनिकल एमसीक्यूज होंगे। इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट टू देना होगा, उसके बेस पर पीजी सीट में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों ये कंडीशन है एनएमसी 2019 में जो नेक्स्ट एग्जाम रखा गया है उसकी। एमबीबीएस पास करने के लिए नेक्स्ट वन देना होगा, इसके बाद में इंटर्नशिप करके पीजी में एडमिशन के लिए नेक्स्ट टू एग्जाम देना होगा। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में लेते हैं पूरी जानकारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हम लेके आते रहते हैं। 15 फरवरी 2020 को एमसीआई की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें शेड्यूल ऑफ प्रपोज्ड एग्जाम और सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेक्स्ट वन के बारे में क्लियर कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट एग्जाम का शेड्यूल क्या रहेगा, ये कब से लागू होगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, एमबीबीएस के प्रोफेशनल थर्ड पार्ट टू का एग्जाम हरेक मेडिकल कॉलेज में जनवरी मंथ में होगा। इस पॉइंट को अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि एमसीआई ने एमबीबीएस के शेड्यूल में चेंज किया है। न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग एमबीबीएस कोर्स का ड्यूरेशन 54 मंथ से घटाकर 50 मंथ कर दिया गया है। इसमें एमबीबीएस कोर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। प्रोफेशनल फर्स्ट जो 13 मंथ का होगा, प्रोफेशनल सेकंड जो 11 मंथ का होगा और प्रोफेशनल थर्ड के दो पार्ट कर दिए गए हैं। पार्ट वन 12 मंथ का होगा और पार्ट टू फाइनल ईयर होगा जो 14 मंथ का होगा। और हर एक मेडिकल कॉलेज में जो फाइनल ईयर में एमबीबीएस का एग्जाम लिया जाएगा जिसे प्रोफेशनल थर्ड पार्ट टू कहा जाता है वो जनवरी मंथ में लिया जाएगा। इसमें पॉइंट टू में लिखा है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम फरवरी मंथ में होगा। यहाँ सप्लीमेंट्री एग्जाम से मतलब है जो स्टूडेंट जनवरी मंथ में ली जाने वाली प्रोफेशनल थर्ड पार्ट टू की एग्जाम में फेल हो जाते हैं वो अगले मंथ फरवरी में ये एग्जाम दे सकते हैं दोबारा से। इसके बाद नेक्स्ट वन की जो एग्जाम लगेगी उसे प्रोफेशनल फोर्थ पार्ट वन एग्जाम कहा जाएगा और ये मार्च महीने में लगेगी। मैं आपको एक बात यहाँ साफ कर देता हूँ कि जो फाइनल ईयर की एग्जाम प्रोफेशनल थर्ड पार्ट टू है वो कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाएगी और नेक्स्ट फर्स्ट एग्जाम है वो नेशनल बॉडी द्वारा ली जाएगी। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है इसमें लिखा है इंटर्नशिप अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इंटर्नशिप वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो नेक्स्ट वन एग्जाम में पास होंगे। इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इंटर्नशिप नेक्स्ट ईयर मार्च में खत्म हो जाएगी। इसके बाद में आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टू एग्जाम दे सकते हैं जो पीजी में एडमिशन के लिए होगी जिसे प्रोफेशनल फोर्थ पार्ट टू एग्जाम कहा जाएगा और वो अप्रैल मंथ में होगी क्योंकि मार्च तक तो आपकी इंटर्नशिप ही रहती है। इसके बाद में सेवंथ पॉइंट है, अगर आप इस नेक्स्ट टू में पास हो जाते हैं तो स्कोर के अकॉर्डिंग मेरिट के अनुसार पीजी में एडमिशन होगा और पीजी कोर्स जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वन एग्जाम के सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसमें तो इसमें पॉइंट वन में लिखा है कि ये ऑल इंडिया का एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा ये। इसके बाद में इसमें पॉइंट टू में लिखा है कि जो पेपर वन है 180 क्वेश्चंस का पेपर है उसमें 120 क्वेश्चंस मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ सब्जेक्ट से आएंगे जो 3 आवर्स का होगा।
इसके बाद में 60 क्वेश्चंस हैं वो पेडेट्रिक्स से आएंगे जो 1.5 आवर्स का होगा इसमें। इसके बाद में जो पेपर टू है उसमें 120 क्वेश्चन सर्जरी से और अलाइड सब्जेक्ट से आएंगे जो 3 आवर्स का होगा। इसके बाद जो 60 क्वेश्चन हैं वो ENT से आएंगे जो 1.5 आवर्स का होगा। इसका जो पेपर थर्ड है उसमें 120 क्वेश्चन ओबस्ट्रिक से आए और गाइनोकोलॉजी से आए और अलाइड सब्जेक्ट से आएंगे जो 3 आवर्स का होगा। इसके बाद में 60 क्वेश्चन ऑप्थाल्मोलॉजी से आएंगे इसमें जो 1.5 आवर्स का होगा। अब हम इसमें ये देखें कि ये एग्जाम लेने की अथॉरिटी क्या रहेगी। तो इसमें पॉइंट थर्ड में लिखा है कि जो नेक्स्ट वन एग्जाम है ये पहली बार 2022 में ली जाएगी। अब इसमें जो इसकी बॉडी दी गई है कि क्या अथॉरिटी रहेगी इसकी, तो इसमें जब MBBS में फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट रहते हैं प्रोफेशनल फर्स्ट में, वो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाएगी। इसके बाद में MBBS के सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम भी यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाएगी। इसके बाद में जो MBBS के 2 साल बचते हैं प्री फाइनल और फाइनल ईयर यानी प्रोफेशनल थर्ड का पार्ट वन और पार्ट टू, वो भी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाएगी। और जो पार्ट टू की एग्ज़ाम है प्रोफेशनल थर्ड की, वो जनवरी मंथ में ली जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वन एग्ज़ाम ली जाएगी यानी कि प्रोफेशनल फोर्थ पार्ट वन की, वो नेशनल बॉडी यानी ऑल इंडिया की एग्ज़ाम होगी इसमें। इसके बाद में जो प्रोफेशनल फोर पार्ट टू नेक्स्ट टू यानी PG के लिए एग्ज़ाम होगी, वो यूनिवर्सिटी द्वारा एग्ज़ाम ली जाएगी। तो आइए इस सारे प्रकरण को एक टेबल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आपको MBBS के फाइनल ईयर में प्रोफेशनल थर्ड पार्ट टू जो यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाएगी उसमें पास करने के बाद आप नेक्स्ट फर्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट एग्ज़ाम में पास होने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आप इस नेक्स्ट फर्स्ट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। अगर आप नेक्स्ट फर्स्ट एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको MBBS की डिग्री मिल जाएगी और आप PG के लिए नेक्स्ट टू एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नेक्स्ट टू एग्ज़ाम में पास होने के बाद ही आप PG में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि PG के लिए जो काउंसलिंग करवाई जाएगी वो नेक्स्ट वन एग्ज़ाम के मेरिट बेस पर ही करवाई जाएगी। मतलब यह है कि नेक्स्ट टू में तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करनी ही है, PG में एडमिशन नेक्स्ट वन के मेरिट बेस पर ही होगा। ये जो आप नेक्स्ट वन का स्कोर है ये 2-3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो दोस्तों ये नेक्स्ट वन एग्ज़ाम पहली बार 2022 में लिया जाएगा। मैंने गलती से इस वीडियो के फर्स्ट में ये बोल दिया था कि ये एग्ज़ाम 2020 से स्टार्ट हो जाएगा, इस गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जानकारी थी नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में। मैंने इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों मेरे दोनों चैनल चोपड़ा एजुकेशन और चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन द्वारा सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मेडिकल स्टूडेंट को दी जाती है। अगर आपने अभी तक दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो दोस्तों मिलेंगे अभी नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक मैं हरसाय चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।